एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए YouTube ब्लॉग वीडियो में। आज मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूँ श्री बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे पुराने वीडियो में देखा था, जो पानी की टंकी थी वो टंकी अभी फ़िलहाल में वो उसको तोड़ा जा रहा है, उसके आखिरी चरण का काम हो रहा है। पूरी तरह से टंकी को ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। आप पीछे देख भी सकते होंगे कि पीछे वो देखिए टंकी मशीन के द्वारा तोड़ी जा रही है। तो चलिए हम अपने बैक कैमरे से दिखाते हैं आप सभी को यहाँ का जो नज़ारा है, जो यहाँ का काम है वो मैं अपने बैक कैमरे से दिखाता हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी बनारस से जुड़ी प्रत्येक वीडियो आने वाली आप तक पहले आए। और दोस्तों अगर आप कुछ UPI हेल्प करना भी चाहते हैं तो प्लीज़ हेल्प करिए, क्योंकि थोड़ा सा खर्च ज़्यादा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए अपना वीडियो दिखाना स्टार्ट करते हैं। अब तो अभी आप वहाँ सामने देखिए वो जो पानी की टंकी थी पूरी तरह से उसे ध्वस्त कर दिया गया है। बाकी देखिए बगल में जो तीन पिलर थे, इन तीनों पिलरों को तोड़ के ख़त्म कर दिया गया है। लास्ट का जो बड़ी वाली टंकी थी उसे भी तोड़ा जा रहा है। आप देखिए, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए क्रान के द्वारा, बड़ी मशीन के द्वारा इसे तोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं कि ये घाट का नज़ारा है, सुबह सुबह का नज़ारा है। और देखिए अभी फ़िलहाल हम रैम वॉक के पास में खड़े हैं और हम आपको दिखाते हैं कि देखिए पानी की जो टंकी थी उसे तोड़ा जा रहा है, ये देखिए है। और इसके जो पिछला साइड है, उधर के साइड काम चल रहा है, उधर दूसरे साइड से किरान के माध्यम से इसे तोड़ा जा रहा है। और फिलहाल देखिए अभी यहाँ पे रास्ते को बैरिकेटिंग करके इसे रोक दिया गया है। और एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, देखिए अभी ये फ़िलहाल जो ये रास्ता है, जो रास्ता आता है यहाँ बीच से, ऐसे पहले ऊपर से जाया जाता था और अभी फ़िलहाल इधर नीचे से जाया जा रहा है। ये देखिए ये रास्ता है, पहले इस जगह पे ये जो बड़ी बड़ी पत्थरें आती थी इस जगह पे उसको रखा जाता था। फ़िलहाल में अभी इसे रास्ते को चालू कर दिया गया और जो ऊपर का जो मेन रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखाते हैं ललिता घाट के ऊपर से, ऊपर से हम आपको दिखाते हैं कि टंकी कहाँ टूट रहा है और कैसे क्या क्या टूट रहा है। तो दोस्तों आप अभी देख सकते हैं कि दूसरे साइड से देखिए कि कितना ये टंकी टूट चुका है। और एक चीज़ हम आपको और दिखाएं कि ये देखिए भगवा झंडा, अभी सभी जो भी खम्भे लगे थे सभी खम्भों के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया है, काफ़ी सुंदर देखने में है। ये देखिए। और चलिए हम आप सभी लोगों को चलते हैं थोड़ा ऊपर से भी दिखाते हैं ये पानी की टंकी कितना टूटा हुआ है। और ये देखिए ये रैम वॉक है और अभी आप देख सकते हैं कि इस दीवार के ऊपर यहाँ पे बिजली की जो पाइपें होती हैं, जो बिजली की लाइन होती है उसका काम किया जा रहा है। देख रहे हैं बीच बीच में जो वाइट पाइप लगा हुआ है वो बिजली की पाइप है। देखिए हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं, ऊपर के साइड में से टंकी का काम देखिए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पे एक दो तीन छोटे पिलर थे और एक बड़े पिलर थे, इन तीनों पिलरों को तोड़ के पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। लास्ट का जो बड़ी वाली टंकी थी उसे तोड़ा जा रहा है और देखिए किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। और आप इसका मलबा देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मलबा इसमें से निकला हुआ है और कितने बड़े एरिया में निकला हुआ है।
के यहाँ पे इस किरान के माध्यम से यहाँ पे जो मलबा फैला हुआ है चारों तरफ उसे इकट्ठा किया जा रहा है, एक साइड में मलबे को रखा जा रहा है। और ये वाला जो आप ऊपर का छोर देख रहे हैं यहीं से ब्रिज बनाया गया था और इस ब्रिज के माध्यम से लोग इस पानी के टंकी के ऊपर जाते थे। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जब टंकी टूट जाएगा, ये जब मलबा यहाँ से हट जाएगा तो ये कितने बड़े एरिया में आपको खाली दिखेगा, काफ़ी फिर अच्छा दिखेगा। एक तरह से देखा जाए तो घाट की शोभा और बढ़ जाएगी और इस घाट पे बहुत ही बड़ा स्पेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा आप लोग जान रहे हैं कि अभी एक दो दिन से ज्ञानवापी जो मस्जिद यहाँ की है इस पर विवाद चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो पुलिस सुरक्षा थी उसे बढ़ा दिया गया है काफ़ी, तो वीडियो भी थोड़ी बनाने में दिक्कत हो रही है। बाकी जितना बाहर टंकी वंकी का काम था वो सारी चीज़ें हमने आप सभी को दिखा दिया है और बाकी आप हमारे पीछे देख सकते हैं सारा नज़ारा आप देख रहे हैं। दोस्तों अभी आप इधर देख सकते हैं कि ये सामने मणिकर्णिका घाट है और देखिए एक चीता जलना अभी स्टार्ट हुआ है और धुआं देख के आप समझ सकते हैं कितनी तगड़ी उसमें आग लगी हुई है, बहुत ही तेज आग लगा हुआ है। यहीं जहां से आपको धुआं दिख रहा है वो आग दिख रही है, वहीं पे चीता जलाई जाती है। और सामने आप देखिए कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और अभी आप फिलहाल में देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अभी फिलहाल में देख रहे हैं कि लोगों का आना जाना इस बाहरी रास्ते से है और थोड़ा सा दिक्कत भी लोगों को आने जाने में हो रहा है, ताकि रास्ता काफ़ी कई जगहों से बंद किया गया, वहाँ देखिए बीच में एक ठो लगाया गया है बांस लगा दिया गया है और लोग उसके नीचे से आना जाना कर रहे हैं। और सामने आप देखिए ऊपर में आपको पशुपतिनाथ बाबा का मंदिर दिख रहा है और ठीक उसी के बगल में देखिए जो पानी वाली टंकी थी उसे तोड़ा जा रहा है, तोड़ के गिराया जा रहा है। और देखिए दोस्तों ये जो ग्रेनाइट पत्थर रखा गया है यहाँ पे, ये इस वाली लाइन में ये जो ग्रेनाइट पत्थर यहाँ पे रखा गया है, बहुत ही जल्द इस ग्रेनाइट पत्थर को इस रेम वॉक के ऊपर लगाया जाएगा। रेम वॉक के ऊपर जब ये लगेगा तो काफ़ी सुंदर देखने में लगेगा, काफ़ी अच्छा रेम वॉक लगेगा। और ये आप देख सकते हैं और आपको दिखा दें कि ये देखिए भगवा झंडा कितना ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे जब ये लहरा रहा है, तो आपको हम जूम करके दिखाते हैं ये देखिए। और ये बता दें कि एकदम अभी टॉप पे जाएगा, एकदम ऊंचे आखिरी शिखर पे जाएगा, तो देखने में फिर ये काफ़ी सुंदर लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा ये भगवा झंडा। चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाते हैं रैम वॉक का काम कहाँ क्या क्या हुआ है और कैसे हो रहा है। और देखिए सामने फिलहाल ये रैम वॉक है और इसका काम आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अंदर भी चल के काम दिखाते हैं। देखिए ये रैम वॉक का दीवाल है, इसे तैयार किया जा रहा है और देखिए वो अंदर वाला एरिया देख सकते हैं ना। अभी यहाँ पे हम आपको बता दें कि लगभग 25-30 इंची मोटी ढलाई की गई थी और एक बार फिर से यहाँ पे ढलाई का कार्य स्टार्ट हो गया है। देखिए वहाँ पे सरिया बांधा गया है, ये आप यहाँ पे एक निशान देख रहे हैं, एक निशान बनाया गया है। अभी फिलहाल यहाँ तक इसे इतना ऊंचा और ढलाई किया जाएगा, आप देख सकते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को अपने इस वीडियो में पूरा रैम वॉक के अंदर तक घुस के दिखा रहा हूँ। और देखिए ये साइड वाली जो दीवाल है काफ़ी गहरी है, इसे भी पूरा कवर कर दिया जाएगा, यहाँ तक फर्श बनेगा।
लोग ऐसे इधर से घूम के ऐसे ऊपर जाएंगे। देखें यहाँ पे कितना मोटा सरिया और कितनी भारी संख्या में सरिया यहाँ पे बांधा गया है, और बांध के इस रैम वॉक का कार्य किया जा रहा है। देखिए ये रैम वॉक कितना ऊंचा है। लगभग दोस्तों बता दें कि ये जो रैम वॉक है 70 फीट ऊंचा रैम वॉक बन रहा है यहाँ पे, और ये बनने के बाद काफी खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों आज का हमारे ये श्री बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का वीडियो कैसा लगा? आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा कि ये जो टंकी का काम था ये काफी हद तक पूरा हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर आप UPI कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में आप सबसे यही विदा लेते हैं, बहुत ही जल्द अपने हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।